जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। कल ही दो बड़ी अपडेट आई हैं जिसके बारे में इस वीडियो में बात करना है। पहला अपडेट ये है कि बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि ACF का जो सितंबर पिछले साल 2020 से फॉर्म ले लिया गया उसके लिए एग्जाम कब से होंगे, उसके लिए क्या अपडेट है। तो कल ही एक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की गई है, उसको आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। और ये अधिसूचना जारी की गई है वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा, जिसको हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहले कहते थे, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसको आप लोग याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि वन विभाग का अब नाम क्या हो गया, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। यहाँ पे अधिसूचना देख पाएंगे, यहाँ पे कहा गया है जो ये नियम है वो है छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2014 में निम्न संशोधन किए जाते हैं, और इसमें कुल 13 प्रकार के विषयों में जो स्नातक अभ्यर्थी हैं वो इसमें डाल पाएंगे। 12वें नंबर पे कृषि, लास्ट टाइम कृषि एग्रीकल्चर वालों को ऐड नहीं किया गया था, वो लोग फॉर्म नहीं डाल पाए थे, उसमें संशोधन कर दिया गया है, एग्रीकल्चर को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब बहुत ही जल्द इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे एग्रीकल्चर वालों से, उसके बाद क्या है इसके लिए ACF के एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो जो लोग तैयारी करना छोड़ दिए हैं वो फिर से इसकी तैयारी में लग जाए, क्योंकि ACF के एग्जाम बहुत जल्दी हो सकते हैं। जो लोग भूल गए थे पहले इसमें फॉर्म डाले थे उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि लास्ट 20 सितंबर को इसके लिए फॉर्म आए गए थे 2020 में, और कुल सहायक वन रक्षक के 21 पद थे और वन क्षेत्रपाल के 157 पद थे। कुल मिलाकर के 178 पदों पे वैकेंसी आई थी, जिसमें अब संशोधन कर लिए गए हैं। एग्रीकल्चर वालों के लिए लिंक ओपन होगा, वो फिर से फॉर्म डालेंगे और इसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ये था एक पहला अपडेट जिसके बारे में आप लोग को जानकारी देनी थी। और ये जो PDF मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप लोग इसको प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो पुराना नोटिफिकेशन हो जिसमें सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं, पदों की संख्या के संबंध में जानकारी दी गई है, और चाहे ये वाला PDF हो जो अभी राजपत्र मैंने आपको प्रकाशित करवाया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारे PDF मिल जाएंगे। और मेरी वीडियोज़ की लिंक अगर आप तक नहीं पहुँच पाती तो वो भी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। दूसरी एक बड़ी अपडेट यह है कि छत्तीसगढ़ में जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा है 975 पदों पर आई हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी पिछले 3 सालों से काफ़ी परेशान थे, क्योंकि अगस्त 2018 में इसके लिए फॉर्म ले लिए गए थे, उसके लिए आज 1 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। उसका लिंक जो है, जिस लिंक से आप फॉर्म भर सकते हैं, CG पुलिस की वेबसाइट ही मिल जाएगा, चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक दे रहा हूँ उसको आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट उस फॉर्म को देख पाएंगे और आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। तो वो एक फॉर्म का जो रूपरेखा है वो आपको मैं यहाँ पर डिस्प्ले करा देता हूँ, किस प्रकार से आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, और प्रिफरेंस के साथ फॉर्म डालेंगे आप एक से अधिक पद पर अप्लाई कर सकते हैं। जो पुराने अभ्यर्थी हैं वो पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर को मेंशन कर देंगे तो उनका पैसा नहीं कटेगा, और इसमें पंजीयन नंबर भी मांगा गया है, हालांकि वो मैंडेटरी नहीं है, उसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। तो पंजीयन नंबर जिनका नहीं है वो करवा लें, या फिर जिनका एक्सपायर हो गया उसको जाके रिन्यूअल भी करा सकते हैं। फोटो वगैरह की साइज देख लीजिएगा, सभी चीज़ों को अच्छे से वेरीफाई करना है। पोस्ट की प्रिफरेंस को देखते हुए आपको चलना है, क्योंकि सबमिट करने के बाद आप पोस्ट की प्रिफरेंस को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एक बार मैं आप लोग को जो सब इंस्पेक्टर का फॉर्म आया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है या छत्तीसगढ़ पुलिस की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ये खुल जाएगा लिंक। यहाँ पर आपको हेल्प डेस्क भी दिया गया है, चिप्स के द्वारा यह फॉर्म डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन और यहाँ पे सूबेदार सब इंस्पेक्टर कैडेट प्लाटून कमांडर रिक्रूटमेंट, और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये एग्री करना पड़ेगा कि आप राज्य के स्थानीय निवासी हैं, इस कारण आपको यहाँ पे एग्री करना पड़ेगा। यहाँ पे आप टिक कर देंगे, ठीक है, ऐसे करके जो भी आपका जो फॉर्म ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रमाणित करना पड़ेगा कि मैं सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ चुकी हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आवेदित पद का नाम अभ्यर्थी द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर एक से अधिक पदों का चयन किया जा सकता है। आप चाहें तो इन किस किस पद में अप्लाई करते हैं वो यहाँ से आप लोग टिक कर लेंगे, अपने प्रेफरेंस के अनुसार ही टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि पद अनुसार कृपया प्राथमिकता क्रम का चयन करें, ठीक है, और यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आपके उपरांत क्या है प्राथमिकता में कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी, प्राथमिकता के अनुसार क्या करना है आपको इसको फिल कर लेना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मूलभूत जानकारी आपसे मांगी जाएगी, यहाँ पे आपको नाम डाल देना है इस कॉलम में, है ना, टाइप करना है, मध्य नाम अंतिम नाम डालना है, इसमें पिता का नाम डाल देना है आपको, उसके बाद यहाँ पे मध्य नाम अंतिम नाम पिता का भी डाल देना है। उसके बाद मैं देखूँ आपको माता का नाम डालना है, माता का अंतिम नाम डालना है। उसके बाद आपको सेवन्थ पॉइंट लिंग आपका मेल है फीमेल है, लड़की तो यहाँ फीमेल डाल देंगे। यहाँ पे जाति सेलेक्ट करना है आपको, कैटेगरी आपकी जनरल है ST है OBC है, ठीक है। आयु में अगर छूट के लिए कुछ करना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नो कर देंगे आप लोग। मेरे पास अभी नेट यहाँ पे बंद करके रखा हुआ है मैंने, इसी कारण मैं आपको फिलअप करके अभी नहीं बता रहा हूँ मैं फॉर्म को। उसके बाद यहाँ पे आपको उम्र
मांगी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, आप क्या योग्यता रखते हैं उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फॉर्म में आपसे किस प्रकार की जानकारी मांगी जाएगी। यहाँ पे पहचान चिन्ह, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वगैरह सब चीज़ है। वैवाहिक स्थिति 16 नंबर का पॉइंट है, आप विवाहित हैं कि नहीं है। पहचान पत्र का प्रकार सुने, किस प्रकार का आप वहाँ आईडी कार्ड देना चाहते हैं। वो जो आईडी कार्ड का नंबर होगा उसको 17A में आपको डालना है। यहाँ पे पंजीकरण संख्या, जो आपका रोजगार पंजीकरण है, यहाँ पे स्टार मार्क ऐसा नहीं लगा हुआ है जैसे इसमें लगा हुआ है, तो मतलब आप चाहें तो डालें चाहें तो ना भी डालें, ठीक है। उसके बाद सैंपल इमेज आप चाहें तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी है, 40 से 60 KB के बीच में उसको अपलोड करना है। यहाँ पे सैंपल इमेज एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी जानकारी वगैरह देनी है अलग से, आपको मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, चाहे तो दीजिए चाहे तो मत दीजिए, ठीक है। वर्तमान पता आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे शहर वगैरह, पोस्ट ऑफिस, सब एड्रेस है। अपने ज़िले का नाम यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, आपके ज़िला किस ज़िले से फॉर्म डाल रहे हैं, पिन कोड देखिए डाल करके। स्थाई पता आपको डालना पड़ेगा, विलेज, गांव, शहर, सभी चीज़ डालना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस, राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य की रहेंगे, डोमिसाइल का ज़िला भी आपको डालना पड़ेगा, ज़िले का नाम, यहाँ पिन कोड डालना पड़ेगा। अब लास्ट में ये उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट है जो 2018 में फॉर्म डाल चुके थे। आपके द्वारा 23/8/2018 में ये जो पद आए थे भर्ती हुई तो आवेदन किया गया था, अगर हाँ तो अपना पुराना पंजीकरण नंबर दर्ज कराएं और वेरीफाई का बटन दबाएं। यहाँ पे पुराना पंजीकरण नंबर आप डालेंगे और वेरीफाई का बटन दबा देंगे। उसके बाद यहाँ पे घोषणा है, उस प्रकार से आप यहाँ पे सहमत हो जाएंगे, आई एग्री का यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट और भुगतान करनी है, जो भी यहाँ पे कैप्चा आएगा उसको सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आपका पूरा जो फॉर्म है वो भरा जाएगा। अभी मैंने भर के नहीं बताया है, आप प्रेफरेंस अपने हिसाब से यहाँ पे डाल करके देख लेंगे, ठीक है। दोस्तों ये फॉर्म है, इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। अभी काफ़ी समय है, थोड़ा चाहे तो आप कुछ दिन का समय और ले सकते हैं, उसके बाद फॉर्म डालें, क्योंकि 31 अक्टूबर तक या 30 अक्टूबर तक जो भी इसका लास्ट डेट है, कम से कम अभी एक महीने का पूरा समय आपके पास बचा हुआ है। तो दोस्तों आपने पूरा फॉर्म देख लिया है। जो लोग अभी भी तैयारी करने के लिए सीरियस नहीं हो वो तैयारी करिए, और जो अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बिलाई दुर्ग में हमारा संस्थान है और शाम को 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक प्री और मेंस की साथ में क्लासेस चल रही हैं। 1 घंटा मैथ्स है, 1 घंटा इंडिया का जीएस पढ़ाया जाता है और 1 घंटा छत्तीसगढ़ का जीएस पढ़ाया जाता है। तो लगातार 5 से 8 3 घंटे क्लासेस चल रही हैं। जो लोग अभी भी नहीं सीरियस है इसके लिए, 5 साल 7 साल के बाद एक पोस्ट आती है और इतनी सारे पदों पर पहली बार इस प्रकार की पोस्ट आई हुई है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, हमारे साथ जुड़िए और अच्छे से तैयारी करिए। प्री प्लस मेंस और फिजिकल की संपूर्ण तैयारी आप लोग को करवाई जाएगी। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।